नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, आप फैज़ जावेद के साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त लाल चौक से नगर हरी सिंह हाई स्ट्रीट से। यौम जमहूरिया जो कल मनाई जा रही है, तो इससे पहले ही आज लाल चौक से नगर में यहाँ हरी सिंह हाई स्ट्रीट में ग्रेनेड का एक धमाका हुआ। तो फिलहाल देखा जा रहा है कि ग्रेनेड कहाँ से दागा गया। फिलहाल ये एरिया जो है इसे पूरा कॉर्डन किया जा चुका है। अभी हमारे पास तफसीलात नहीं आई है कि क्या कुछ हुआ। लाल चौक श्रीनगर के ये मनाजिर 26 जनवरी से बिल्कुल एक दिन पहले यहाँ हरी सिंह हाई स्ट्रीट में ये ग्रेनेड का धमाका हुआ। ये आप लाल चौक श्रीनगर के मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास अभी तफसीलात नहीं पहुँच चुकी है कि क्या कुछ इसमें हुआ। तो ये तफसीलात मिल चुकी है कि ग्रेनेड का धमाका हुआ। यहाँ पे जायज़ा लिया जा रहा है कि कहाँ से ये धमाका हुआ, ये देखने की कोशिश की जा रही है। लाल चौक से नगर हरी सिंह हाई स्ट्रीट, जहाँ पे यौम जमहूरिया से एक दिन पहले ये ग्रेनेड का धमाका हुआ। अभी तफसीलात जाने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ, कोई नुकसान हुआ या कोई ज़ख्मी तो नहीं हुआ। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको तफसील देने की। ओ नाज़रीन, लाल चौक श्रीनगर के मनाजिर आप हमारे साथ देख रहे हैं इस वक्त, जहाँ पे कुछ लम्हात पहले अभी यहाँ पे ग्रेनेड का एक धमाका हुआ। 26 जनवरी की आमद है, उससे पहले ही एक दिन पहले यहाँ पे ये लाल चौक हरी सिंह स्ट्रीट में ये धमाका हुआ। अभी हमारे पास तफसीलात पूरी नहीं आ चुकी है, हालांकि इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते हैं कि क्या कुछ नुकसान हुआ। फ़िलहाल हमारे पास यही इतला है कि यहाँ अभी हरी सिंह स्ट्रीट में कुछ लम्हात पहले ग्रेनेड का एक धमाका हुआ। ये जो इलाका है, पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है और पूरा इलाका जो है इस वक्त घेराव किया जा चुका है पूरे इलाके का। आप देख सकते हैं हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे पुलिस, कश्मीर पुलिस के दस्ते बिल्कुल मौजूद है। कंसर्न पुलिस स्टेशन है, सारी हालात का जायज़ा लिया जा रहा है कि आखिर ये ग्रेनेड धमाका जो है वो कहाँ से आया, ग्रेनेड कहाँ से आया। पूरी तफसीलात हमारे पास इस बात की तस्दीक नहीं है कि क्या कुछ अभी हुआ। फिलहाल जो हमारे पास तफसील है कि हरी सिंह हाई स्ट्रीट में यहाँ पे ग्रेनेड का धमाका हुआ और उसके बाद पूरा इलाका जो है वो उसे घेरे में ले लिया गया है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे आपको पूरी तफसीलात देने की। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगेबान।